आज 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पे एक बहुत अच्छी बात हुई कि नए पार्लियामेंट की जो है वो आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी आधारशिला रखी, लेकिन आधारशिला गलत ढंग से रखी मोदी जी ने। तो मैं समझता हूं कि धार्मिक विधि कराकर जब धर्म का लोकतंत्र में और मानवाधिकारों में कोई प्रमुख रोल ही नहीं है, तो वहां पर जो है धार्मिक विधि से, और वो भी वैदिक धार्मिक विधि से, उसका जो है वो फाउंडेशन रखकर मोदी और बीजेपी सरकार ने जो है गलत जो है परंपरा को प्रस्थापित किया है। और जो आज का जो संबोधन जो है जो था वो एक भाषण था, एक राजनीतिक भाषण था, वो उद्बोधन नहीं था। और मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि या तो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की अच्छी खासी पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करके अपने ज्ञान को बढ़ाए, और अगर अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम कम बोले, कम से कम संविधान जैसे विषय पर, लोकतंत्र जैसे विषय पर, मानव अधिकारों जैसे विषय पर अगर पढ़ाई कर अपने ज्ञान का संवर्धन वो नहीं कर सकते, अगर महाल और रेशिमबाग की काली टोपी की यूनिवर्सिटी की थ्योरी को पढ़ के ही अगर वो हिस्ट्री को समझना चाहेंगे, तो उनको ग्राम सभा और लोकसभा के बीच में जो है वो फर्क समझ में नहीं आएगा, और रूल मेकिंग बॉडीज और लॉ मेकिंग बॉडीज के बीच का जो है वो फर्क उनको समझ में नहीं आएगा, लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का फर्क उनको समझ में नहीं आएगा। बड़ी अगर मुझे ये बात मोदी जी को समझाना पड़े तो मैं समझता हूं कि पूरे मोदी जी के कैबिनेट पर और जो सेक्रेटरी बैठे हैं, उनके एडवाइजर्स बैठे हैं, उन पर यह हास्यास्पद हो जाएगा कि मोदी कैबिनेट का और सेक्रेटरीज लोगों का ऊपर का चेंबर खाली है। इसलिए आज जो नए पार्लियामेंट की आधारशिला रखी गई वो तो स्वागत करने योग्य है, लेकिन जिस तरह से वो रखी गई वो गलत परंपरा को प्रस्थापित करती है। धर्म को लड़कर ही, धर्म के साथ संघर्ष करके ही लोकतंत्र और अधिकारों का उदय दुनिया में हुआ है। ये पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री को जो है वो मोदी जी ने पढ़ना चाहिए, मैग्ना कार्टा को पढ़ लेना चाहिए, मार्टिन लूथर किंग के रिफॉर्म्स को पढ़ लेना चाहिए, और अगर ज्यादा उनको और डिटेल में जाना है तो ग्रोइटर्स को पढ़ ले, हार्ट को पढ़ ले, यूगो ग्रोइटर्स को पढ़ ले, एले हार्ट को पढ़ ले, होब्स को पढ़ ले, लॉकी को पढ़ ले, राउस्यू को पढ़ ले, वॉल्टेयर को पढ़ ले, जेम्स मेडिसन को पढ़ ले, जे एस मिल को पढ़ ले, थॉमस पेन को पढ़ ले, अब्राहम लिंकन को पढ़ ले, कॉनकॉर्डिट को पढ़ ले, फिशे को पढ़ ले, और साथ में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स को पढ़ ले, गुरनार्ड मैंड्रेल को पढ़ ले, तो मैं समझता हूं कि उनको समझ में आ जाएगा कि अधिकारों को डेवलप करने में वेस्टर्न एनलाइटनमेंट का जो है, एयर ऑफ एनलाइटनमेंट का कितना बड़ा रोल है, और उस समय भारत में जाति और मनुस्मृति के कानून कैसे थे, और जिस वेद का आज उन्होंने उदाहरण दिया वो वेदों में लोकतंत्र नहीं वर्ण की व्यवस्था की जो है अलोकतांत्रिक मानवतावादी व्यवस्था की संकल्पना जो है वो रखी गई है। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को जो है अपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को करेक्ट कर लेना चाहिए और अपने ज्ञान का थोड़ा संवर्धन करना चाहिए, अन्यथा अपनी अज्ञानता को जो है वो प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। किरण कुमार मधुकर जी पूछ रहे, उन्होंने आज जो शिलान्यास था नए संसद भवन का, उन्होंने मोदी जी ने उसमें मैग्ना कार्टा की बात की, और मैग्ना कार्टा के पहले बोले कि ये जो है अनुभव मंडल था, मैग्ना कार्टा को पायनियर माना जाता है, कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं, इस तरह की बातें कही। उन्होंने एक बार भी ह्यूमन राइट्स का जिक्र नहीं किया। इस तरह के जो बातें कर रहे हैं मोदी जी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये महत्वपूर्ण बात है कि पहली बात तो मोदी जी को जाकर जो है वो पॉलिटिकल साइंस की दो चार अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हिंदी में पढ़ ले, हिंदी में भी अवेलेबल है। क्या होता है, ऐसी बात करने से बार बार जो है उनकी अज्ञानता का जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है। देखिए, दुनिया में ये सेटल्ड जो है पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री है, और अगर आपको सभा, ग्राम सभा और लोकसभा के बीच का डिफरेंस यदि नहीं समझता है तो मैं समझता हूं कि बड़ा हास्यास्पद है। जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो रूल मेकिंग बॉडी होती है, वो कोई आपस में गांव में बैठ के या कोई एक कम्युनिटी बैठ के कोई डिस्कशन करके कोई आपस में मान लेना, जैसे लिच्छवीस के अंदर था, या वैशाली के रिपब्लिक्स है, या मल्लास की रिपब्लिक्स है, उसमें जो है वो रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो लिमिटेड लोग बैठ के जो डिस्कशन करके कुछ बातों को मानकर जो है आगे चलते थे, वो लॉ मेकिंग रूल मेकिंग बॉडीज नहीं थी, वो इलेक्टेड बॉडीज नहीं थी, उसमें महिलाओं को भी जो है वो वोटिंग राइट नहीं था, और स्लेव्स को यानी शूद्रों और अनटचेबल्स को भी जो है वो जो है, अनटचेबिलिटी तो खैर थोड़ा बाद में आई, लेकिन जो शूद्र कम्युनिटी थी
उसको भी जो है वो जो है उसमें वोटिंग राइट नहीं थे। ये इस फैक्ट को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, यानी जहां लोगों का राज है। लोगों का राज कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर नागरिक को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होता है, हर नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है। ये पहला प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। दूसरा प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी में राइट्स होते हैं। राइट्स केवल मेजॉरिटी के नहीं होते, माइनॉरिटी के भी राइट्स होते हैं, यानी कॉमन जो है वो राइट्स होते हैं सारे नागरिकों के, और उसमें कुछ माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल जो है राइट्स होते हैं। फिर डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स को मानकर जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो चलती है। फिर डेमोक्रेसी में चुनाव की एक बहुत ही फेयर जो है वो प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहते हैं। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम के माध्यम से जो है वो डिसाइड होती है। और इसके साथ जो है फिर डेमोक्रेटिक इथोस होते हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर होता है, पार्टी सिस्टम होता है, ये तमाम चीजें होती है। अगर ये तमाम क्राइटेरियाज को यदि हम देखें तो वो लिच्छवीज हो या वैशाली की जो सभाएं है या मल्लास की जो सभाएं है या जो बशेश्वर जी का जो उन्होंने उदाहरण दिया या तमिलनाडु का जो उदाहरण दिया 12वीं शताब्दी का 10वीं शताब्दी का, यहां वो मौजूद नहीं थे। और इस तरह की प्रैक्टिसेस की अगर बात करना है तो वैसी प्रैक्टिसेस तो आदिवासियों की गण पद्धति में, गण ये वर्ड ही जो है वो ट्राइबल के गोटुल, गोटुल शब्द से जो है वो जो है गण की जो है वो उत्पत्ति हुई है। जो गण वर्ड है ये आदिवासियों की गोटुल पद्धति से जो है वो गण पद्धति आई है। तो उस तरह से यदि देखा जाए तो सबसे पहले लोकतंत्र का आश्रय, पूरा लोकतंत्र नहीं लेकिन लोकतंत्र का कुछ झलक जो है वो झलक हमको आदिवासियों की जो है वो कम्युनिटीज में मिलती है। लेकिन वो तंत्र जो है, तंत्र यानी सिस्टम, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम आदिवासियों के जो है रिपब्लिकन सिस्टम में भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो एब्सेंट था। और इसलिए मैग्ना कार्टा ये कोई डेमोक्रेसी का उदय नहीं है। आपको किसने बताया कि ये डेमोक्रेसी का उदय है? मैग्ना कार्टा ये मॉडर्न एज में राइट्स का जो है वो पहला मेजर डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद में ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स है, वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स है, उसके बाद अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, और फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, उसके बाद में जो है फिर ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो है वो जो ह्यूमन राइट्स आया है, बीच में जेंडर राइट्स की है, मैरी वोल्फेंस कार्ट है 1790 में जो महिलाओं का पहला डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आया। तो ये जो तमाम बातें हैं ये राइट्स का डिक्लेरेशन है। और डेमोक्रेसी वहां से धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन से सही मायने में उदय हुई। और अगर डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा स्वरूप यदि देखना है प्राचीन मॉडल में तो वो ग्रीक में एथेंस में था, और ग्रेट रेहर्टा जो है वो स्पार्टा का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ग्रीक के लोगों से आपको क्या दुश्मनी है भाई? आप कहां वेदों में चले गए? 3600 साल पहले वेदों में चले गए। वेदों में कहां लोकतंत्र था? वो तो वर्ण की व्यवस्था थी, वो तो काल्पनिक है, वेद जो है वो है। तो आपने जो कहा कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कहना चाहेगा तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी हंसी उड़ेगी पूरे दुनिया के अंदर में। और अगर आपको कहना ही था तो कम से कम आप कह देते कि भाई गोंडवाना इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो गोंडवाना यानी गोंडवाना भारत से पहले गोंडवाना था 50,000 साल से। तो आदिवासियों की सभ्यताओं में, उनकी कम्युनिटी में कुछ लोकतंत्र के अंश थे पर वो पूरा लोकतंत्र नहीं था। पूरा लोकतंत्र का मॉडल एथेंस में भी नहीं था, पर एथेंस में सबसे अच्छा मॉडल था जो 6वीं शताब्दी में है। और बाद में जो है एक्चुअल डेमोक्रेसी का मॉडल जो उदय हुआ है वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद ही जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो उदय हुआ है। और आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने, भारत ने लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया आजादी के बाद में, तब मुश्किल से 40 कंट्रीज जो है वो लोकतांत्रिक थी। तो मोदी जी से मैं कहूंगा कि वो अपने राजनीतिक विज्ञान को जो है पॉलिटिकल साइंस का स्टडी थोड़ा सा मजबूत करें। और ये काली टोपी की जो यूनिवर्सिटी आपकी माल और रेशम बाग की नागपुर की, तो उसकी हिस्ट्री में मत जाए। आपकी हंसी उड़ रही है, पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। और हमारे जैसे लोग, अभी तो कोरोना बंदी में थोड़ा रिलीफ है आपको, अदरवाइज हम सभाओं में आते तो आपकी खुली हंसी उड़ती थी देश के अंदर में। तो थोड़ा सा अपना ज्ञान संवर्धन कीजिए मोदी जी, या थोड़ा सा कम बोलिए, आपका बेसुरा हो रहा है आजकल बोलना, और पांचट लग रहा है आपका जो मराठी शब्द है पांचट, यानी स्वाद नहीं आ रहा है आपकी बातों में आजकल।